तो एक चीज बताओ, आपके पिताजी का नाम अब चेंज हो के रेजा के पिताजी हो गया है? पहले आप अपने पिताजी के बेटे थे, अब वो आपके पिताजी हैं, इस तरह से चेंज हुआ है कुछ? सब लोग हाँ इसी जी, तरह से बोलते ये हैं ये हाँ रेजा के अब्बू हैं, ऐसा ऐसा चेंज हो गया होगा ना? जो मतलब मेरा एक जे नाम यहाँ पे भी मतलब रिकॉग्नाइज होता है कि वो एक है जो MBBS में पढ़ाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, यदि आप पढ़ते पढ़ते दुखी होते हैं, सोचते हैं क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो रेजा आपके सामने एग्जाम्पल है। ये एग्जाम आपकी पहचान के बारे में है। ठीक है, डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, बट अभी आपकी कोई पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके माँ बाप से होती है। एग्जाम निकलने के बाद, जैसे आपने रेजा की तरह कर लिया, मेरे साथ ये हुआ था। IIT क्लियर करने से पहले मेरी पहचान थी OP गुप्ता जी का बेटा, और IIT क्लियर करने के बाद मेरे पिताजी की पहचान थी कपिल के पापा, है ना? रेजा के साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा। एकदम उससे अच्छी फीलिंग नहीं होती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ मोहम्मद रजा उल्ला है, इनको हम रेजा बोलेंगे। रेजा बीरभूम से है, इस समय पे एम्स भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर आया 705, 705, और इनसे हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्विकली एक बैकग्राउंड जरूर बता देता हूँ। रेजा ने PW से पढ़ाई की, दिसंबर में जाके इनके पास, जैसे आप लोग अभी दिसंबर पे, पिछले साल दिसंबर में इनको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे NCERT बेस्ड, इन्होंने टारगेट बैच डिस्कवर किया, और बुक जो आती थी वो बुक अभी अपडेटेड नहीं है हमारी, मार्केट में नहीं है। एक बुक आती थी जिसमें 10 Level 1 और 10 Level 2 टेस्ट थे, वो इन्होंने ज्वाइन किया। तो रजा से सबसे पहले पूछते हैं, रजा ये बताइए कि जब आपका 705 आया, तो एग्जाम के दिन आपको विश्वास हुआ कि आपका इतना अच्छा पेपर हुआ है? नहीं, जब एग्जाम दिया उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ही सिली मिस्टेक था, तो वही कि ये गलती हो गई। तो उसके बाद मुझे लगा कि काफी कम आएगा, 700 तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे 680 के ऐसा लगा था होगा। उसके बाद जब मैं रात में चेक किया पेपर, तो तब लगा मतलब आंसर निकल रहे थे काफी जगह, आंसर की हो रहा था, तो चेक किया तब जाके लगा कि अब 70+ मतलब 700+ होगा। तो आपने घर पे आते ही, जब आपने एक बार काउंट कर लिया अपना स्कोर, उसी टाइम पे सेलिब्रेशन चालू कर दिया या वेट किया जब तक रिजल्ट नहीं आ गया? सेलिब्रेशन मतलब घर में तो खुशी का माहौल हो गया, अब तब मतलब पता लग गया अब खुशी का ये है, अब रिजल्ट तक तो वेट करना ही है सेलिब्रेशन या ठीक है के लिए। ठीक है। तो एक चीज बताइए, आपने जब हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, तो उसके अंदर किस तरह से उसे यूज किया? बहुत सारे स्टूडेंट जो दिसंबर में अभी हैं, उनको लगता है कि यार कोई नई चीज कैसे स्टार्ट करें, और आप कह रहे हो कि आपने ज्वाइन किया और आपको फायदा हुआ 705 तक पहुंचने का। मैंने देखा आपने 100 से ज्यादा टेस्ट भी अटेम्प्ट किए, काफी सारे टारगेट टेस्ट थे जो DPP जनरेटर से डेवलप होते हैं। तो बताइए आपका, आपको आपका इस समय पे टारगेट बैच लेने का नजरिया क्या था? हाँ, टारगेट बैच का अगर देखो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें अच्छा चीज ये है कि उसमें फिल्टर है, आप काफी सारे फिल्टर डाल सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन कम हो जाएगा। जैसे NCERT फिल्टर है, कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना मुझे याद नहीं है अभी, तो उसमें NCERT फिल्टर देता था तो क्वेश्चन काफी कम हो जाता था, चलिए देखते हैं तो वो जरा। देता था। आपको ये जो रेजा बता रहे हैं, मैं एक बार क्विकली दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप कोर्स, रेजा इसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई है, आपने इसका डिफरेंट लुक होगा देखा होगा। तो लेट्स से जुआलॉजी में आपने सेलेक्ट किया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से आपने सारे क्वेश्चन यदि सेलेक्ट कर लिए क्विकली, तो उसके बाद रेजा जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे NCERT का फिल्टर लगा देते थे कि मुझे बस NCERT बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, और अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके NCERT बेस्ड आ गए, राइट? और यहाँ पे फ्रॉम NCERT का टैग लगा होता है, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सब NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, है ना? इसी उसमें का बात कर रहे हैं आप भी अभी? रिकमेंडेड MCQ का एक ऑप्शन है, अभी याद आया देख के, रिकमेंडेड MCQ हाँ, का भी एक रेकमेंडेड ऑप्शन था। MCQ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
रिकमेंडेड PYQ, बहुत सारे चीज है इसमें। PYQ, NCERT बेस्ड PYQ बहुत सारे देखा था मैंने, अभी देख के याद आ रहा है, ये सब यूज करके। या गुड। टू तो आपने एक थाउजेंड बार ये वाला नाइनटीन चीज ऑनवर्ड यूज किया, आप तो एक चीज बताओ, आपके दिमाग में ऑब्वियसली टाइम तो नहीं था, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी चीजों के रेकमेंडेड एमसीक्यूज वापस करेंगे, तो आप क्या करते थे, मतलब स्पेसिफिक चैप्टर्स के आपने किए, सारे चैप्टर्स के करते थे? नहीं, जो टेस्ट में मुझे पता चलता था जिसमें मुझे वीकनेस मिलता था तो उसमें मैं ये चीज फॉलो करता था। उसमें मैं रिकमेंडेड एमसीक्यू देखता था, उसके बाद PYQ करने की कोशिश करता था। जो मुझे वीक लगता था कि थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि ऑप्टिक्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, फिजिक्स ठीक है, में। तो फॉर एग्जाम्पल और आप मुझे बता रहे थे इसमें एक चैप्टर डीपीपी का ऑप्शन होता है, तो मुझे हाँ, बताइए। चैप्टर हाँ DPP, इसमें तो मैंने एक, बहुत प्रैक्टिस किया। इसमें टॉपिक सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, हाँ DPP, क्रिएट ठीक है, क्रिएट DPP। डीपीपी, और इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में जैसे आप ऑप्टिक्स में गए, तो ऑप्टिक्स के अंदर आप खूब जनरेट करते थे, तो कौन से टॉपिक का जनरेट करोगे ऑप्टिक्स में? अभी तो कुछ है नहीं, जैसे टेलीस्कोप का याद है, टेलीस्कोप काफी हार्ड लगता था टेलीस्कोप मुझे। क्रिएट डीपीपी किया, और यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ कर लिया, तो ये टेलीस्कोप ही टेलीस्कोप के क्वेश्चन आ गया, राइट? हाँ, या इसमें या या काफी अच्छा लगता था। ये 30 क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट में आ गया, अब एक एक करके सॉल्व करता था। फिर OMR फिल करने का ऑप्शन होता है, तो OMR फिल कर लेता था, फिर देखता था कितना मार्क्स आया, कौन सा गलत हुआ। फिर वीडियो सॉल्यूशन भी होता है, अब अगर उससे भी मतलब और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो नोट्स चेक करता था। तो ऐसे करके जो वीक टॉपिक है उसको मैं स्ट्रांग बनाता तो था, आपके दिमाग में ये ऐसे चीज बिल्कुल करके। क्लियर थी, आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि दिसंबर में आपका पीडब्ल्यू में सिलेबस खत्म हो गया था, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और आपको इस टाइम पे दिसंबर में सिर्फ इस बात से मतलब था कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे भी मुझे खुद को अंदर से लग रहा है कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, बस इन वीक एरियाज पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ कर सकता हूँ उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, राइट? एनसीईआरटी बेस्ड। बिल्कुल, NCERT बेस्ड क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकता उतना करना चाहिए, तो इस टाइम पे मैं वही करता था। गाइज यदि आप टारगेट बैच के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जिस भी टाइप की चीजें उसमें अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अब वहां पे जाके देख सकते हैं। अब रेजा एक चीज बताइए, यदि आपको स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी है इस टाइम पे दिसंबर में, 4.5 महीने करीब 135 दिन बचे नीट एग्जाम में, तो आप क्या दो एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? पहला एडवाइस दूंगा कि जितने भी वीक चैप्टर है या जो चैप्टर अभी भी नहीं पढ़ा तो उसका बेसिक क्लियर कर लेना है, एक बार रीडिंग कर लेना है, और जो PYQ है वो देख लेना है और वो क्लियर कर लेना है, बेसिक क्लियर कर लेना, क्योंकि नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। लग रहा है कि बहुत ही टफ है, नहीं कर पाऊंगा वो चैप्टर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक चीज़ है, NCERT का एक बेसिक रीडिंग कर लेंगे तो शायद उसी से ही हो जाएगा, पर बहुत कोई चैप्टर ज्यादा छोड़ के नहीं डीप में जाना है? जाने की जरूरत भी ना, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि नीट में कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा ही, हर चैप्टर से क्वेश्चन एक दो आएगा ही, और नीट में जो अभी एक हाई कट ऑफ है तो उसके लिए कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, पढ़ना ही तो है। आपकी पहली एडवाइस हुई, और कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो, 100 क्वेश्चन कर लो, पर खुद को ये मत बोलो बहुत मुश्किल है मेरे से हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ करके उसके 100 क्वेश्चन कर लो, क्या पता आपको रोटेशन मोशन से तकलीफ होती है, पर रोटेशन मोशन के क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन से आसान आ जाए, है ना? हाँ, एकदम बेसिक भी आ सकता है, मतलब लगता है कि फिजिक्स में बहुत ही हार्ड पूछेगा, लेकिन इस साल तो फिजिक्स में बहुत ही इजी दे दिया था, तो ठीक है, छोड़ के नहीं जाना कोई भी चैप्टर। पहली एडवाइस ये हुई, और दूसरी एडवाइस क्या है? दूसरी एडवाइस ये है कि अभी गिव अप नहीं करना, जो मतलब पढ़ाई थोड़ी कम भी हो रहा है लेकिन करना चाहिए, जो वीक एरिया है उस पर थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है उसमें पढ़ाई करते रहना होगा, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत सारी चीज कवर किया जा सकता है।
बहुत टाइम अच्छी है। चीज बोली, अच्छी चीज बोली। तो मैं बताता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस नजरिए से देखिए, नीट के एग्जाम में करीब 135 दिन बचे हैं अभी। 135 दिन में आप डेली के 10-12 घंटे पढ़ेंगे, 1500 घंटे के आसपास पढ़ सकते हैं। पूरी नीट की तैयारी 3000 घंटे की है, ठीक है? तो अभी आप 1500 घंटे पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि तैयारी जब चालू होती है बहुत इनर्शिया होता है, पर अब जब आप फ्लो में हैं तो फ्लो में आने के बाद 1500 घंटे में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं इस समय पे। इसलिए जो रेजा कह रहे हैं ना चीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट कि गिव अप मत करिए। आप अभी भी बहुत लंबे डिस्टेंस पे जा सकते हैं। आपका 400 आ रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। आप 400 से 620 भी पहुंच सकते हैं। इस टाइम पे भी आप घंटे दो फोकस करो, होगा, करेक्ट? वीक एरिया को फाइंड करो, जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसको पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर से, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। अभी थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा कि कौन सा वीक एरिया है, कौन सा सब टॉपिक, कौन सा टॉपिक वीक है नहीं पढ़ा, तो उसे डीपीपी जनरेट करके उस टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ के इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो रजा हम लोगों ने क्या किया है, आप बता रहे थे कि आपने बुक लिया था, 10 लेवल 1 10 लेवल 2, उसके अंदर टेस्ट थे। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने क्लासरूम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। इस समय पे 80 सेंटर्स में है, 60 सिटीज के अंदर। आपके वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में है, खड़गपुर में है और कोलकाता में है। अभी हमने वेस्ट सॉरी ईस्ट बुर्दवान में भी चालू किया है। तो आइडिया वही है कि जितने जितने स्टूडेंट टेस्ट लिखे वो टेस्ट को क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। मेरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब टेस्ट लिखूंगा, वैसे नहीं चलता। टेस्ट आपको रेगुलरली लिखना है, टेस्ट आपको बताता है कि आपके वीक एरियाज क्या है, फिर वीक एरिया पे एक्स्ट्रा टाइम देना है, करेक्ट? यस बिल्कुल सर, क्योंकि टेस्ट देंगे, अगर नहीं भी हुआ तो वो चीज मतलब छोड़ दीजिए, मतलब सोच लीजिए कि 180 का टेस्ट है, मैं 150 का ही दे रहा हूँ, फिर भी दीजिए। मतलब अगर कोई 30 मार्क्स का टॉपिक छूट भी गया तो सोच लीजिए कि मैं 150 ही की का ही दे रहा हूँ, पर दीजिए। पर उसके बाद जो 30 मार्क्स का टॉपिक कवर नहीं हुआ, उसके बाद वो प्रिपरेशन करके वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते, हाँ, क्योंकि गंदी आदत क्योंकि पड़ जाती है ज्यादा पोस्टपोन करने की। हाँ। और बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि कंप्लीट नहीं होता, हमारे नेचर ही ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर, कि काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है, तो करेक्ट। ऐसे छोड़ने का आदत नहीं बनाना चाहिए, टेस्ट देना ही चाहिए। गुड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रेजा। मुझे एक चीज बताइए, आपके जी पेरेंट्स जब आप एग्जाम देके आए, आपने अपना स्कोर बताया, तो उनका चेहरा देख के कैसा लगा? एकदम मतलब एकदम अलग उस दिन को ही याद फीलिंग करिए जब है। एग्जाम के बाद आप घर पे आए, तो उस समय पे कैसा लगा जब आपने स्कोर कैलकुलेट करके, आपको आइडिया लग गया होगा कि 700 के आसपास आ रहा है आपका। एकदम 700, मतलब 705 ही मैंने कैलकुलेट किया था, एकदम खुशी का माहौल। थोड़ा बहुत मतलब डाउट था एक दो क्वेश्चन में, पर अल्टीमेटली हुआ यही यार, एकदम खुशी का माहौल पूरा, एकदम एकदम क्या ही होता उस दिन। तो एक चीज बताओ, आपके पिताजी का नाम अब चेंज होके रेजा के पिताजी हो गया? पहले आप अपने पिताजी के बेटे थे, अब वो आपके पिताजी हैं, इस तरह से चेंज हुआ है कुछ? सब लोग हाँ इसी तरह से जी एक बोलोगे ये हाँ रेजा के अब्बू है, ऐसा ऐसा चेंज हो गया होगा ना? जो मतलब मेरा एक जे नाम यहाँ पे भी मतलब रिकॉग्नाइज होता है कि वो एक है जो MBBS में पढ़ाई कर रहा है। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ऑन दिस पॉजिटिव नोट, यदि आप पढ़ते पढ़ते दुखी होते हैं, सोचते हैं क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो रेजा आपके सामने एग्जाम्पल है। ये एग्जाम आपकी पहचान के बारे में है, ठीक है? डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, बट अभी आपकी कोई पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके माँ बाप से होती है। एग्जाम निकलने के बाद जैसे आपने रेजा की तरह कर लिया, मेरे साथ ये हुआ था। IIT क्लियर करने से पहले मेरी पहचान थी OP गुप्ता जी का बेटा, और IIT क्लियर करने के बाद मेरे पिताजी की पहचान थी कपिल के पापा, है ना? रेजा के साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा। एकदम उससे अच्छी फीलिंग नहीं होती है। पेरेंट्स जबरदस्त खुश होते हैं, और आपको जो अंदर से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप रेजा को देख लीजिए, ही इज गोइंग टू बिकम अ बिग डॉक्टर, क्योंकि इस एज पे जब आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो आप एक ट्रेन बन जाते हो, अनस्टॉपेबल ट्रेन। रेजा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन। बिल्कुल
और बहुत बड़े डॉक्टर बनो, और अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, अपने शुभचिंतकों का उनका नाम रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक टू यू।